वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। ये कार का नया मॉडल है, आपकी ये पहली डिलीवरी है सर, इसलिए कंपनी वाले स्पेशल इंटरेस्ट लेके आपको ग्रैंड डिलीवरी दे रहे हैं सर। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए सर, आइए सर। पुलिस, कितनी स्पीड से भगा रहा है, जरा गाड़ी को साइड में रख ले। आजा तू भी अपना अनलोड कर ले, अरे गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गए यार। आजा 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 आजा। अच्छा हुआ उस गाड़ी को कोई और लेकर चला गया, वरना आज मेरे भैया के चिथड़े उड़ जाते। ए, चल जाए यहाँ से। मुझे कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन मेरे भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। सर, वो आपकी कार थी ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। सर, उस कार के टुकड़े टुकड़े होने के बाद सिर्फ एक टुकड़ा बचा है सर। सर वो हम चोरी करते हैं वो तो सच है, लेकिन हमने ये चोरी नहीं की है। ये तो मेरा शौक है सर, मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती है। आपकी कार को देखा तो मुझे बहुत पसंद आई, एक बार राउंड ड्राइव करने का दिल किया। ड्राइव करके कार एक जगह खड़ी करके नीचे उतरा तो उतने में इतना पसंद आएगा तो लेके चला जाएगा क्या? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है वरना टेंशन बढ़ जाएगा। यू हैव ए लॉन्ग लाइफ। कार में बॉम्ब रखकर मुझे मारने की कोशिश की, लोग करते तो हैं, लेकिन ऊपर वाला भी है ना। लेकिन ये बातें यहाँ रहने वाले नहीं समझते। मैं मौत से नहीं डरता, मगर लोगों की सेवा जो करनी है वो काम आधे में ही रुक जाएंगे। मुझे डर सिर्फ इसी बात का है, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर उस डर को मिटा दिया है। जरा उसे देना। ये लो, तुम्हें जितना चाहिए ले लो, अगर ये कम है तो और दूंगा। सर, मैं ये बात मानता हूं कि मैं एक चोर हूं, लेकिन खुद की मेहनत के बिना मैं एक पैसा भी किसी से नहीं लेता। अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरे एरिया में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, नल में पानी आए बहुत दिन हो गए हैं और लोगों को पानी की जरूरत तो पड़ती है, अगर उसके लिए आप कुछ कर सकें तो। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, तुम सब यही रुको, मैं जॉगिंग करके आता हूं। बेल्ट है, इन कलरलेस बेल्ट्स के लिए तो मैं ही काफी हूं। आप बैठ जाइए सर। ठीक है।
क्या सर, सरकार ने आपकी रक्षा के लिए आपको एस्कॉर्ट्स दिए हैं, तो उनको छोड़कर आप अकेले ही यहाँ पर जॉगिंग करने आ गए हैं। जानी, तुम्हारे रहते मुझे एस्कॉर्ट्स की क्या जरूरत। सर सर, आप मुझे बेकार में हीरो बना रहे हैं सर। तुम हीरो ही हो, देखो ना, मुझसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी तुमने दो बार मुझे बचाया। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उन्होंने पुण्य किए हैं। मुझे कोई पुण्य नहीं मिला है सर, मैं अनाथ हूँ। तुम्हें अनाथ कहने वाले, सच पूछो तो वो खुद ही अनाथ है। आज से तुम कभी भी अपने आप को अनाथ नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे सर, मुझे सेंटिमेंट से एलर्जी है सर। हमारी लाइफ तो रंगीला फिल्म है ना, वैसी बिल्कुल कलरफुल होनी चाहिए। मुझे दूसरा काम है, मैं चलता हूँ सर। शेट्टी को खत्म करने के लिए तुम लोगों को बाहर से बुलवाया, और तुम लोगों ने क्या किया? एक छोटा सा काम तुम लोगों से नहीं हो पाया, शर्म नहीं आती है? क्या हुआ ये तो बताओ। भाई वो एक सुनामी है, उसके एक्शन का रिएक्शन करने के लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं दिया भाई। सुनामी के जैसे आया और सब बर्बाद करके चला गया भाई। सुनामी सुनामी बोल रहा है, उसका नाम क्या है वो बोलना। जानी। हा? क्या कहा? जानी, इधर भी जानी है। तो ये बात है, इस शहर के सारे पेशेवर मुझसे थर थर कांपते हैं, तो इस शहर में तो क्या, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे शहर में बस भी। बस ढींगे मत हाँक, उस शेट्टी को किसी भी कीमत पे मारना ही है। उसे यमलोक भेजने की मैं दो बार कोशिश कर चुका हूँ, और दोनों ही बार उसे इस जानी ने बचा लिया। जो भी हो, जैसे भी हो, उसे ऊपर पहुँचाना ही है। और सुन, हमारा टारगेट जानी नहीं है, शेट्टी है। कुछ भी करके उसे खत्म करो। शेट्टी को तो मैं मारूंगा ही, लेकिन मेरे आदमियों को मारा है उस जानी ने। उसने मेरे सीने में घाव दिया है। जानी को तो मैं ही मारूंगा। जानी, मेरे पूरे शरीर पे सोना है, लेकिन इस मासूम से बच्चे को बचाने के लिए मेरे पास लोहा नहीं है। अगर मैं दुबई नहीं गया होता, यहाँ रहता, तो मेरे हाथ में सोने के कड़े के बदले में आज लोहे का कड़ा रहता। मैं क्या करूँ इस बच्चे को बचाने के लिए? अभी मैं लोहा कहाँ से लेकर आऊँ? हे भगवान, कोई चमत्कार कीजिए। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर वो यमराज भी आ जाए तो मुझसे तुम्हें वो भी नहीं छीन सकते। संभल के उठाओ, ले चलो, उठाओ, चलो, रखो, आराम से संभाल के। अब तो भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। क्या किया ऊपर वाले? टाइगर को हाथी के साथ वॉक करते हुए देखा है क्या? शेर के साथ कभी लंच करते हुए देखा है क्या? पुलिस स्टेशन में खाकी वर्दी पहनकर कभी ऐसी पर्सनालिटी देखी है क्या? देखना भी मत वरना पैंट के लिए हो जाएगी। ये हाथ इस राज्य के 5 करोड़ लोगों की सुरक्षा करता है। ये क्या बोल रहे हैं सर? 7 करोड़ है सर। ऐसा है क्या? रात को ओवर टाइम किया था इसीलिए सब भूल गया मैं। रहने दे, इस केस को मैं रात को ही डील करूंगा। आज से रात को मैं सारे मर्दों को दूसरा काम दिलवा देता हूँ। सर पहले बात तो कंप्लीट कर लीजिए सर। शाबाश। मुझसे इस ड्रेस में नफरत करने वाले कैदी लोग इस खाकी के अंदर जो इंसान है उससे प्यार करते हैं, सही कहा ना? एक सच्चा इंसान हिमालय पर रहेगा तो भी नहीं बदलेगा, सही कहा ना? बोल बे, मुंह में क्या रखा है बे? सर। अबे फ्लो में 4 डायलॉग बोलना चाहता हूँ, तो बीच में घुसकर क्यों पूछ हिला रहा है? खड़ा हो जा। चड्डी में क्यों खड़ा है? रेप केस है क्या? नहीं सर, गोल्ड केस है सर। गोल्ड?
हे भगवान, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, कोई इसे बचाओ, कोई बचाओ। यही हुआ था ना बे। सर आप महान है, किसी वीडियो फिल्म की तरह आपने सब कुछ रिवाइंड करके मुझे बता दिया। लगता है आपने सब कुछ देख लिया था सर। इस खाकी के अंदर आधा कलाकार है और आधा पुलिस वाला। सर है? इन दोनों के बीच में है? सरकारी गुमस्ता एसआई पांडुरंगा का हाथ है सर। इधर आ, अबे ज़बान पे लगाम रखा कर। मैं कहा था सर, कहा था मुझे हलाल होने से बचा लो सर। मेरे चोरी किए गोल्ड का पता लगाओ ना सर। ये जानी का है। अरे वो तो इधर ही आ रहा है। सर इसने जो भी चीजें पहनी है सब मेरी है, सब इसी ने चुराया है सर। मेरे साथ नाटक करके मुझे अच्छी तरह से बेवकूफ बना दिया इसने। इससे पहले कि मेरा माथा घूम जाए ये सब मुझे दिला दो सर। गुरु, चोरी करने के काम को इतना नीच तरीके से मत देखो। क्यों भाई, चोरी करना इतना आसान समझते हो? नाइट में एक फुल बॉटल पीकर उस पर डीप डिस्कशन करके सुबह तक 3-4 बॉटल्स खत्म हो जाती हैं, और उसके साथ स्नैक्स का खर्चा तो अलग होता है। अरे वो सब छोड़िए, सुबह उठते ही रात भर का हैंगओवर उतारने के लिए नारियल पानी और दही पीना पड़ता है। सर आप हमारी बिरादरी के हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बॉटल से नहाता रहता हूं सर। अबे मेरा डायलॉग बीच में रोक कर, अब तू डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है तेरी तो। चुपचाप हिसाब कर और निकल यहाँ से। सर ये अभी नादान है, इसे छोड़ दीजिए। ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सर, बस मुझे मेरे ये गोल्ड दिलवा दीजिए। गोल्ड एक दो क्या? ये भी खोल दूंगा। वो छोटा बच्चा मेरा ही बच्चा है। कल कल कला कल कल कला कल कल कला मिस्टर पांडो कला कल, या सर ये यहाँ कहाँ से आ गया? क्या गुरु, दूसरों के मामलों में टाइम पे आते हो या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस मामले में तो 5 मिनट पहले ही आ जाते हो। व्हाई? पुलिस वाले भी तो आदमी होते हैं भाई। वो तो दिखता है। सब पीते हैं, हम तो सिर्फ खाते हैं। वो तो ज्यादा ही खाते हो ना। मेरे खाने से तुझे क्या तकलीफ हो रही है? सर एकदम सही बोला, चलो चलते हैं। खाकी पहनकर ऐसी जगह पे नहीं जाते, बदनामी का डर होता है समझा? हमारे ऊपर दाग लग जाए चलेगा। खाकी पे दाग नहीं लगना चाहिए। चेंज करके अंदर परियां हमारा इंतजार कर रही हैं। हमेशा सबको मैं पिलाता रहता था, आज मुझे मांगकर पीना पड़ रहा है। अरे यार वो चोर है, मैं पहचान नहीं पाया। गुड मैन, चड्डी में आया, चड्डी में गया, इधर मजा कर रहा है। अब मेरी याद नहीं आई? अबे ऐसे क्यों देख रहा है बे? हेलो पापा, व्हाट आई हर्ड इज ट्रू। कौन सी बात बेटी? पापा आप मुझसे मत छुपाइए, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। कोई खास बात नहीं है बेटी, तुमने कहावत तो सुनी ही होगी, जाको राखें साइयां मार सके ना कोई। मौत हमारे शरीर का होता है बेटी, आत्मा कभी नहीं मरती। पापा मौत की बातें मत कीजिए, अगर आप नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी। हाँ ऐसा मत कहो बेटी, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। पापा मेरा रिजल्ट लगते ही मैं इंडिया सेटल हो जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम्हारे इंडिया आते ही मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। बाय, टेक केयर। ए जानी। हाँ हाय। How many times I told you, जिस रात को तू घर पे नहीं आता उस दिन तू कुत्ते को नहीं बांधेगा। तू नहीं रहता है तो अक्खा दिन भोगता रहता है। मैं उसका दुख देख नहीं सकती, that's why early morning I freed him। Look young Dinah,
आप मेरे जो को खोलो या फिर ना खोलो, जहाँ मैं रहता हूँ वो वहाँ पर जरूर आएगा। क्यों जो? लुक जानी, कुत्ते का सिर्फ नाम रखने से नहीं चलता, उसके पेट के लिए फूड चाहिए, फूड। सही बात बोली डायना। जो माय बेबी। चुप कर बे। तेरे से रिश्ता ही क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पीना नहीं छोड़ पाऊंगा जो, क्योंकि हम जैसे जो बेवड़े लोग होते हैं उन्हें उसी से शांति मिलती है। तुमको समझाना तो इमली से खटाई निकालने जैसा है। इमली से खटाई को निकालना, क्या पंच डायलॉग है डायना। चलो देखते हैं खाने में क्या है। तेरी के। अबे जो, इस जानी के घर में सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, क्यों ऐसा? पहले शादी कर ले। ए, किसी को कुछ भी बोलने दो, लेकिन मैं चोर हूं ये कभी मत भूलना। बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि चोर की बीवी कभी ना कभी विधवा बनती है, मगर मैं वो बात नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर बेटी पैदा हुई तो उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ऐसा पति ढूंढना है। मगर मुझ जैसे चोर को तो चोर नहीं मिलेगी, और वो तो नहीं होगा। मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, मुझे सच में चोर नहीं मिल सकती है क्या? 100%। अगर ये बात सच हुई ना तो दुनिया का 8th wonder हमारी जोड़ी होगी। इतना साल हो गया यहाँ पानी नहीं आ रहा था, आज पानी आ गया। हम सबका प्यास बुझाने वाले उस इंसान को गॉड हमेशा खुश रखे। गॉड ब्लेस हिम। भैया टेंडर्स फाइल। सब चेक कर लिया है ना? हाँ कर लिया। एक बार और चेक कर लो। ठीक है भैया। तुम्हारे पास क्या है? चलता हूँ भैया। ओके। हेलो। इलेक्शन के पास आते ही बिन बुलाए भी तुम मुझे ढूंढते आ जाते हो, मगर मुझसे कुछ कभी लेते नहीं बल्कि पार्टी को देते ही हो। मैं पार्टी के लिए फंड नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपके द्वारा जनता की भलाई के लिए ये फंड दे रहा हूँ। ये लीजिए। अंदर आइए। हाँ अरे साउंड ही नहीं आ रहा है। साउंड करने वाला बॉडी नहीं है ये, तो पुरानी मशीन लग रही है। ज्यादा चलाने से इंजन ने पावर खो दिया है, इसलिए बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पावर की जरूरत है। अगर ये ऐसे ही सेल्फ मारता रहेगा तो कभी ना कभी इसका आउट होना गारंटी है। नेक्स्ट। आई लाइक इट। किधर एंट्री किया? नो, फ्लैट इज एम्प्टी। नेक्स्ट। ये पुरुष लोगों की पुण्यात्मा है, बीवी पर डाउट रखने वाले को चाबी दरवाजे में नहीं उसके दिल में लगानी चाहिए। किस क्या हुआ? आहा,
मंकी मैन एंट्री, मंकी कैप कोट। अरे ये सब पता है, आगे का पता। क्यों इतना अर्जेंट कर रहा है? तुझसे ज्यादा मुझे अर्जेंट है। हीरो आगे जा रहा है। हीरोइन आएगी नहीं बता। जो तुम बेजुबान हो, तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। जिसने इंग्लिश में बात की वो मैजिक है, और मैंने बात की तो लॉजिक हो गया। ये भी अब इंसाफ मांग रहा है, रहने दो। गुड चेंज। दोनों आमने सामने रहकर आपस में सांसें ले रहे हैं। आगे बोल। दोनों पास में आ गए, दोनों नजर से नजर मिला रहे हैं। सिर्फ नजर से नजर मिलाता रहेगा तो सुबह हो जाएगी। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? वो दूध पी रहा है कि नहीं यही पूछा है मैंने। जो उन लोगों ने लाइट बंद कर हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। धत तेरे, अपना भी प्रॉब्लम कोई समझ पाएगा? लक्ष्मी, मैं अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से टिफिन तैयार कर दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। भाई, आप जो कर रहे हो वो आपको सही लगता है क्या? मैंने क्या किया? बड़े पापा। अरे मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। बाय बड़े पापा। बाय बाय। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि घर में एक शादी के लायक बच्ची है। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है। ओह, तो यही बात है। देखो, मैंने उससे शादी नहीं की है, लेकिन वो ही तुम्हारी भाभी है, ये सच है। पैसे के लिए जो औरत कुछ भी करने को तैयार हो जाए, उसे मैं किसी भी कीमत पे अपनी भाभी तो नहीं मानूंगा। ये मेरे खुद का मामला है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। वो लहरों की आवाज सुनाई दे रही है ना स्वीटी? अच्छे से सुनाई दे रही है। ये आवाज सुने बिना मैं मर जाती। मेरे दिल में तो हमेशा इसी बात का डर था। भगवान, मेरी उम्र भी तुझे दे दे बेटा, यही आशीर्वाद है मेरा। ओहो स्वीटी, माय डियर स्वीटी, ये ऑफर तो है बहुत अच्छा, बट नो थैंक्स। दूसरों की जिंदगी लेकर ये जॉनी सांस नहीं ले पाएगा। इसके बदले में जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी हंसी ऐसी ही रहे, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है ना? ठीक है, चलता हूँ। लहरों की आवाज सुनो, अच्छा लगता है। ठीक है बेटा। अरे क्या काम आ गया? जानी, तेरे साथ पार्टी किए हुए बहुत दिन हो गए यार, आज रात को कैसे भी करके मुझसे मिलना। मेरे पास इंडियन रुपीस तो बिल्कुल नहीं है, ओनली यूएस डॉलर्स। आज रात को घर में आकर बॉटल ओपन करेंगे बे। सुपर। चखना तो मैं लाऊंगा, लेकिन ड्रिंक का खर्चा तेरा। सारा ड्रिंक का अरेंजमेंट तू ही करने वाला है। और सुन, जो के लिए हड्डी, तुझे भी कुत्तों वाली हड्डी चलेगी। एक मिनट रुक। जाने, सांप ने
पूरे बीन को ही निगल लिया है। तू पूरे जिले का वर्ल्ड फेमस चोर है बेटा। लेकिन चोर के घर में चोरी हो गई, ये सुनकर मेरे पीठ के नीचे झुनझुनी हो रही है। हाँ सर, कल हम किसी दूसरे होटल से वड़ा मंगवाते हैं, मुझे भी उसी वजह से एलर्जी हो रही है। अबे उस टॉयलेट की एसिड से शरबत बना के पिला इसे। अबे जब भी मैं बोलता हूँ तुझे बीच में ही खुजली क्यों होती है? तुझे एक कलाकार की इज्जत करनी नहीं आती है क्या बे? सर ऐसा नहीं है वो। अबे तू थाने का सबसे बेईमान हवलदार था, इसीलिए मैंने तुझे सर पे बिठाया था। लेकिन ये तो मेरे ही कंधे पर बैठकर मेरा ही कान काटने पे लगा हुआ है। आज से, अभी से, इसी समय से तू मुझसे 6 फीट दूर खड़ा रहेगा। आगे या पीछे सर? सेंटर पे। जा चले क्या? ठीक है सर। ऐ जाने तेरी मुझे आ गई है, लेकिन उस औरत ने जिसने चूड़ियां पहनी थी तेरी जेब में हाथ डाली तो आवाज नहीं आई क्या? अरे गुरु, उसने पहना था बुर्का, साड़ी, जैकेट, जींस, ये अब आगे मत बोल। तुम लोगों को चोर बनाकर मैं तुम्हारा गुरु बना, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब इस ड्रेस को फेंक कर, वो गोरखा वाली टोपी आती है ना, उसे पहन कर किसी औरत के घर का चौकीदार बन जाऊं मैं। अच्छा काम है सर, कर लीजिए। दिन में सो सकते हैं और रात को आराम से मार सकते हैं। अबे तेरी तो चोरने का फेस नहीं देखा, इसलिए केस क्लोज। गुरु 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 गुरु, फेस नहीं देखा तो क्या हुआ, उसको बैग से मैंने बहुत अच्छे से देखा है। उसकी बैग की वजह से मैं उसका फ्रंट आराम से पहचानूंगा, और यही सच है। जानी क्या यार, तू ऐसे नरम हो गया? नहीं यार, ऐसा है ना, जो कहा वो सच है। एक लड़के ने अगर मेरा पॉकेट मारा होता तो अभी इस क्वार्टर को मैं एक घूंट में ही पी लेता। मगर एक लड़की ने पॉकेट मारा ये सोचता हूँ तो बिना चखने के एक फुल बॉटल पीने का दिल करता है मेरा। डोंट वरी जानी, वी हैप्पी। अबे कृष्णा, पीस पीस होकर मरे हुए मोबाइल में तूने तो जान डाल दी। मैं तो तुझे डमी पीस समझता था, लेकिन तुझे जन्म देने वाली मम्मी को मेरा सलाम। किसी और का मोबाइल है ना, फिर फोन कैसे रिसीव कर लिया? आपके अंदर कोई शर्म, मान, मर्यादा कुछ भी नहीं है क्या? हेलो, नमस्ते, भारत की कोयल। अभी आपने जो कहा ना, उन 3 चीजों की वजह से ही आपका मोबाइल फोन ऑन हुआ है। बाय द वे, आप जब से बात कर रही हैं, आपने अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम जैस्मिन है। आपका गुस्सा देखकर लगता है कि मेरा नाम नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है जानी, मिस्टर जानी। आपका नाम तो पता चल गया, अब मेरा मोबाइल मेरे एड्रेस पे भेज देना। हाँ, मोबाइल आपका है, आपको मेरे एड्रेस पर आना होगा। हाँ, ऐसे कैसे मुझे आना होगा? अगर ऐसा है तो आप मोबाइल भूल जाइए। जानी प्लीज। गुड गर्ल, ऐसा है तो कल सुबह ब्लू जीन्स और रेड टॉप पहनकर ओशन कार्निवल पार्क के पास पहुंच जाना। मेरा मोबाइल? रेड टॉप ब्लू जीन्स भूलना मत। हे सुपर। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ही हूँ जैस्मिन। कौन जैस्मिन? अरे जाओ जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। हाँ? ये लड़की अब तक आई क्यों नहीं? मिस्टर जानी। आप जैस्मिन हो, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है। मिस्टर जानी, जरा अपना मोबाइल देना। मेरा मोबाइल? क्यों 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 क्यों? बताती हूँ ना। हेलो। हेलो, मैं जैस्मिन बोल रही हूँ। हाँ, आपको देखने के लिए तो मैं आया हूँ, लेकिन आपको देखने से पहले ही मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। आप कहाँ पर हो? आपके पीछे ही खड़ी हूँ। अरे हटो ना यार। अरे सता क्यों रही हो यार, कहाँ हो बताओ ना। जरा अपने राइट साइड की तरफ घूमना। तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। आप जैस्मिन हो? क्यों, अभी भी डाउट है?
अभी भी 50-50 हूँ। तो 100% होने के लिए मुझे क्या करना होगा? जस्ट अ मिनट। जास्मिन नाम का फूल पकड़ने के लिए डिग्री को डिस्टिंक्शन में पास किए हुए ज्ञान की जरूरत नहीं है। सेवेंथ पास किया हुआ ये जॉनी ही काफी है। हाँ, अब मेरे इस टेस्ट में पास हो जाओगी तो आते ही आप जास्मिन हो ये पता तो चला। बस यूं ही टेस्ट रखने का मन किया था तो एक्शन तो मैंने किया था लेकिन रिएक्शन तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। ओह, मोबाइल बाद में ले लेना, अभी तो चलो। एनी प्रॉब्लम? हेलो, क्या हुआ बेटी? What happened? वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो देखिए वो लोग। ठीक है, तुम जा, मैं देखती हूँ। मैं देखती हूँ, जा। ए, कौन हो तुम लोग? अरे नहा रहा था। जानी, जानी, जानी। डायना, डायना, डायना। जिस घर में बैचलर रहता है वहाँ दरवाजा नॉक करके आना चाहिए, इतना भी मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें? ओह माय गॉड, तो मेरा उम्र बढ़ गया है तो तू मुझे भी रूल समझा रहा है हा? लेकिन अभी एक लड़की आया था, वो दरवाजे पे नॉक करके नहीं आया था माय चाइल्ड। जानी, I have one doubt. Yeah, proceed. वो लड़की जब आया था तब डरी हुई थी और जाते वक्त वो शर्मा के गया। आने जाने के गैप में उस लड़की को ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया? What did you do? जास्मिन के बारे में तो पता नहीं मगर जानी को तो ग्रहण लग गया है डायना। जास्मिन के आने पर इस ओल्ड डायना को भूल मत जाना। Come on, डायना, what is this? इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। प्यार और रिश्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जास्मिन मेरे लिए प्यार है तो डायना मेरे लिए रिश्ता है। माय चाइल्ड। मगर वो जास्मिन इस जॉनी को लव करती है या नहीं ये डाउट है डायना। वन वे। जिस तरह से वो लड़की शर्मा के गया मुझे तो ये टू वे लगता है। तो फिर वो कैसे कंफर्म करना है डायना? इट्स वेरी सिंपल जानी। कैसे? कल सुबह उठकर उसके पास जाओ, सब कुछ बोल दो, दैट्स ऑल। ऐसा क्या? रियली? जानी, तुमने कहा था कुछ बात करनी है और इतने शांत बैठे हो, कुछ बताओ तो सही। तुम कुछ बोलने वाली थी तो तुम ही पहले बता दो ना। पहले तुम ही बताओ। अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो लेडीज फर्स्ट होता है, इसलिए मैंने पूछा। तुम रूल्स को चेंज कर रही हो या ब्रेक कर रही हो ये तो नहीं पता, बट इट्स अ नाइस चेंज। आई लाइक इट। आई लव यू।
देखो जासमिन, मुझे ये SMS WhatsApp पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अपना तो जो भी है वो सामने सीधे बता ही दो, है कि नहीं? हेलो, तूने इस लड़की पर क्या जादू किया है जानी? हेलो, अरे मैं इतनी बातें कर रहा हूँ और तुम खामोश बैठी हो, कुछ तो बोलो ना। तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो मन करता है सुनती जाऊं। I don't know, you're something special to me. बहुत लोगों से मिली हूँ लेकिन तुम उन लोगों से पूरी तरह अलग हो, which I can't express. You're so interesting. मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में जानने का मन है। मेरे परिवार के बारे में? मेरी अब तक शादी ही नहीं हुई है। तुम्हारे मॉम डैड के बारे में पूछ रही हूँ। ओह अच्छा, देखो जासमीन, पास्ट में तो मैं फुटपाथ पर था, प्रेजेंट में तुम्हारे प्यार में हूँ। फ्यूचर क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन संसार बसाने के बारे में डिसाइड कर लिया है। हाँ मगर एक बात तो सच है, ये अपना बीड़ू है ना, ये जो जब से मेरी लाइफ में आया है तब से मुझे एक पल भी मैं अनाथ हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ये जहाँ रहता है मैं वहाँ रहता हूँ, और मैं जहाँ रहता हूँ ये भी वहाँ रहता है। सो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। मेरी जिंदगी में किसी को भी आने दो, वो कोई भी होने दो, जो तो हमेशा विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी। आई लव यू जानी। जानी, अब तक तो तुम बस दो ही थे, पर अब से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। जानी, तुझे बोला था कि बैग देखकर फ्रंट पहचान लेगा, कैसा फ्रंट है बे? तुम दोनों का रिलेशन हो गया जन्म जन्म के लिए जॉइंट। वहाँ बैठेंगे तो आपका बैग हो जाएगा जॉइंट। यहाँ ये गम किसने रखा बे? इसकी थाने में क्या जरूरत पड़ गई थी? सर, आपके जूते चिपकाने के लिए लाया था सर। अच्छा, कुछ ज्यादा ही होशियारी कर रहे हैं आजकल। हेड ऑफिस में लेटर लिखकर तेरी ड्यूटी किसी जंगल में लगवा दूंगा, समझा? सर, 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 आप कहेंगे तो आपके घर के सामने में चौकीदारी करूंगा सर। मेरी पावर क्या है पता है? पता है सर। जाके 8, 4, 9 वाला लेके आ जा। पांडु, अरे बाप रे, इस जो के लिए एक बन लेके आ। ओके सर। जा, जा। कभी ना कभी तो तुम्हारी नाइट ड्यूटी रहेगी, उस दिन तुम्हारे घर में जरूर फुल ड्यूटी करूंगा। हम पुलिस वालों का हाल देख रहा है ना जानी, दिन में काम करो रात में काम करो, रात में काम करो दिन में काम करो, तब भी हमारे हाथ में बचता क्या है जानी? अब ऊपर के खर्चे तेरी वजह से ही तो चलते हैं जॉनी। मैं अभी चोरी करना छोड़ना चाहता हूँ। तू चोरी करना छोड़ रहा है? ए टकले, अगर तूने चोरी करनी छोड़ दी तो बहुत अच्छी बात है। अरे चोरी करना मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने जो सुना वो झूठ है ना? अरे बता रहा यार, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं गुरु, आज सुबह 9:03 पर मैं चोरी नहीं करूंगा ऐसा डिसाइड करके आया हूँ। जस्ट 5 minutes बैक। 5 सालों से तू चोरी कर रहा है, 5 मिनट में छोड़ दी, आखिर ऐसा क्या हो गया तेरी जिंदगी में बताना? पता है। क्या बात है जानी, आजकल ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करता है। एक चोर नहीं, एक चोर की चोरी छुड़ा देगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था भाई। अब तुम चोरी नहीं करोगे ये बात सुनकर ऐसा ही होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम दोनों का भला हो। हाँ देना बेटी, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती, जेब भी भारी होनी चाहिए। भारी? ओ, हाँ ये तो सच है। गुरु, अब तक तो मैं अपनी जिंदगी को कल का कल और रात का रात ऐसा सोचकर सुबह का कमाया हुआ पैसा रात तक खर्च कर देता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर संसार को चलाना थोड़ा मुश्किल है ऐसा लग रहा है। फिर भी मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जासमीन से वादा किया है। गुरु, मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी मुझे पाल पोस कर यहाँ तक लेकर आए हो, तो आज के बाद भी हम दोनों की देखभाल आपको ही करनी है। मुझे, अरे मैं क्या करूँ? ठीक है, वैसे मैं क्या करूँगा, सब तो करता ऊपर वाला है, मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ और कुछ नहीं। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। ऊपर वाले का नाम ले लेके लगता है उसको बेवकूफ बनाने वाले हो। तेरी तो मेरे पास एक डील है, उसे तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। ओ, नहीं बेटी, चोरी नहीं बेटी,
चोरी बिल्कुल नहीं, डील। अगर ये डील पूरी हो गई तो दोनों की लाइफ सेटल हो जाएगी। अपनी स्वाति के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। मेरी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए मैं काफी हूं, और किसी की जरूरत नहीं है। इसे जन्म मैंने दिया है। शादी की जिम्मेदारी से ही काम नहीं चलता है, पैसे भी चाहिए। उसके लिए क्या करेगा तू? उसके लिए मेरे हिस्से की जायदाद दे दो, मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, पहले यही कर लो। मम्मी सुनिए, भाई की बातें सुनकर तो लगता है कि कल हम सड़क पर आ जाएंगे। इसका कोई तो रास्ता होगा। रास्ता तो है, अपने भाई को शमशान भेजने के लिए मैंने एक रोड तैयार की है, नेशनल हाईवे। जीसस, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ, आपसे भीख मांग रही हूँ, और वो भी जब तक मेरी जान है तब तक के लिए। जानी बस मेरा ही बना रहे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था वो तो अब नहीं रहे, मुझे पालने वाले, मुझे चोरी का रास्ता दिखाने वाले, मेरे पापा ने कभी सही रास्ता नहीं दिखाया, इस बात का मुझे दुख होता है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं, और इसकी वजह है सिर्फ जानी। जानी बहुत अच्छा है, जिस दिन से वो मेरी लाइफ में आया है मेरी लाइफ बदल गई। आज के बाद हम दोनों कभी चोरी नहीं करेंगे, मैंने फैसला कर लिया है। किससे पूछ के फैसला की हो? किसी से क्या पूछना, क्यों उस जानी ने बोला है क्या? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये मेरा खुद का फैसला है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आजा जो, बीच पर घूमते हैं। हाय जैस्मिन, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? तू ही प्रॉब्लम है। क्या मैं? मैंने क्या किया है? तूने तो कुछ नहीं किया, मगर जैस्मिन को कुछ हो रहा है। ए जो, शिव की पूजा में नंदी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अपना यहाँ क्या काम है? चलो वहाँ पर जाकर हम घूमते हैं, चलो। अरे उसने ऐसी कोई हंसने वाली बात की जो तुम हंस रही हो? ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में नहीं आएगा? ठीक है, तो तुम्हें क्या समझ में आया है वो मुझे बता दो। वो तो तुम्हें ही समझना होगा। बिना मतलब की बात को मतलब नहीं रहता, तुम्हें समझ में आया ऐसा तुम बोल रही हो ना, तो वो क्या है बता दो। वो तुम्हें ही समझना होगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम्हारी खुशबू कितनी शानदार है, एकदम मदहोश कर देती है। जानी, Thank you.
लाइट नहीं है क्या? बॉस, विलेन हमेशा अंधेरे में रहता है, ये मूवी में देखा है, इसीलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी है बॉस। ए, अंधेरे में रहने वाला सिर्फ विलेन होता है। लेकिन इस तरह ब्राइट लाइट में व्हाइट सूट वाला विलेन का भी विलेन होता है। इस तरह ब्राइट लाइट में रहने वाले विलेन को अंधेरे में रखकर तुमने ब्लैक कर दिया है, ये ठीक नहीं किया। मैं हमने क्या किया बॉस? मुंबई में मिर्ची बॉस का नाम सुनते ही विधानसभा की कुर्सियां भी थर 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 कांपने लगती है। लेकिन हमारी विधानसभा तो बेंगलुरु में है बॉस। ये तो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। ए, मैं पैदा हुआ हूँ इस शहर की मिट्टी में और अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मैंने पहली सुपारी ली, पर सारा खेल खराब कर दिया तुम लोगों ने। ऐसा क्यों किया बॉस? उसे चेज करके पकड़ा बॉस, उसका सर काटने के लिए तलवार निकाला ही था बॉस कि उसने कहा गुरु तलवार में धार नहीं है, तलवार में धार कराने के लिए लेके गया बॉस। और वो आदमी और तलवार दोनों ही नहीं आए क्या? आपको कैसे पता बॉस? तुम लोगों की मदद से मैं इस शहर में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन अगर तुम लोगों के साथ रहा तो मैं समंदर से एक भी शंख नहीं पकड़ पाऊंगा रे। नो प्रॉब्लम, बड़े बड़े लोग हारने के बाद ही तो जीतते हैं। अब दूसरी डील सही करके आओ, लेके आओ उसे। इधर लो मिर्ची बॉस। क्या तुम्हें पता है मैं इतना हॉट क्यों हूँ? क्योंकि मिर्ची खाने के बाद आग लगती है, मिर्ची लगती है। खाओ 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 खाओ, मैं चाहता हूँ कि हर कोई डरे। खाओ खाओ खाओ, मैं आपका घर छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं दूर जाकर जीऊंगा। जी लेगा तू कैसे जिएगा? तू अगर दूसरे की जिंदगी के साथ खेलेगा तो फिर मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा होगा रे, ये तो बता। तो आप लाश हैं क्या बॉस? शमशान की लाशों की देखभाल करने वालों को लाकर पाल रहा हूँ मैं, उन्हें पैसे दे रहा हूँ क्या? क्या मैं लाश हूँ? भाई मैंने क्या गलती की है बताइए भाई। तूने क्या गलती की है ये बात भी तू मुझसे ही सुनना चाहता है? अरे सब कुछ मैं ही बोलूंगा क्या? बोलिए भाई बोलिए, हम सुन रहे हैं ना। सुनो, मैं एक सुपारी किलर हूँ, सुपारी बेचने वाला नहीं हूँ। दोनों एक ही है बॉस। कैसे समझाऊं तुम लोगों को? ध्यान से सुनो, तो बात यह है, इसके होटल ओनर ने इसे चावल देकर कहा कि इसमें से पत्थर चुनो, और उसके जाते ही इसने उसकी बीवी को उठा लिया। ये बताओ क्या सही बात है? अरे यार ये काम तो हम लोग करते हैं। ऐसा है क्या बॉस? उसके क्या बात में? नहीं, नहीं, भाई मैं उसको लेके नहीं गया, वो ही मुझे लाई है। दोनों एक ही है बॉस। भाई चाहे तो आप मुझे तेल में पकाओ, लेकिन ऐसे मिर्ची मत लगाओ। मिर्ची लगाने से मेरे शरीर में जलन होती है भाई, क्योंकि मुझे पाइल्स है। अरे देखो दोनों साइड से मैंने ही सुपारी ली है, और एक साइड से बात करने के बाद ये पता चला कि दोनों साइड की बराबर गलती है, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। ये मिर्ची बहुत एक बार सुपारी लेने के बाद अपने दिल में जो बात आती है वो भी नहीं सुनता, सॉरी बिल्कुल नहीं सुनता, क्योंकि मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम है। शुरू करो। नाइस सॉन्ग, बट रॉन्ग प्लेस रॉन्ग पर्सन। हेलो मिर्ची, हियर, उधर कौन है? मुझे मिर्ची बॉस से बात करनी है। मिर्ची बोल रहा हूँ, क्या बात है बोलो। मैं तो संगीत का एक सुर है, सारे गामा पाधानी सा। मैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं काटने वाला कसाई हूँ। बोलो किसको काटना है? मेरे भाई को। वेरी नाइस। और तीसरे दिन छोटा भाई बड़े भाई का श्राद्ध रखेगा, नाइस है। लेकिन हम जो हमारा काम करते हैं वो नहीं छोड़ेंगे, तो एनी फोटोज? ओह वेट, क्योंकि हमारी ज्यादा है रेट। मिर्ची ग्राउंड में उतर आया, अब सब देखते जाओ क्या क्या होता है। मिर्ची मिशन।
रोजी, रोजी, रोजी नहीं। तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचाई है। अरे लगता है पिछले जन्म का रिश्ता है तुमसे। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा? अरे सर, इसमें एहसान वैसान कुछ नहीं है, ये सब तो मेरे जो ने किया है। तुम कुछ भी कहो जानी, ऊपर वाले ने ही मेरे लिए तुम्हें भेजा है। ऊपर वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। उन्हें मैं तुम में देख रहा हूं, तुम मेरे लिए भगवान जैसे ही हो। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है जानी, तुम मेरे साथ रहो। सर बस ये मांगने के अलावा आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए सर। जानी अगर तुम बुरा ना मानो, तुम्हारे गले में जो ये क्रॉस है उसे मैं ले सकता हूँ? ये ले लीजिए सर। प्यार से मांगने पर जानी अपनी जान भी दे देगा सर। आप बस सावधानी से रहिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। हे जो जो, ये लीजिए सर। थैंक यू, चलता हूँ। वेलकम। चलो। बजरंगी का फोन। हेलो बॉस, काम हो गया है बॉस। लाश का क्या करना है? लंदन के एग्जीबिशन में ले जाके रख दो उसे। उसके लिए 100 रुपए लगेंगे बॉस। क्यों बे? गाड़ी में डीजल डाल के लंदन जाके वापस भी तो आना है बॉस। अबे कितने बेवकूफ मरे थे जब तू पैदा हुआ था, तो जैसे पागल को तो पागल खाने के सारे पागलों की चप्पल उतार के मारना चाहिए। बॉस हमें चाहे कोई भी गाली दो, लेकिन पागल मत कहो बॉस। अभी तो मैं तुम्हारा कहना मान लेता हूँ। कौन सा बॉस? अबे तुम मुझसे ही सवाल पे सवाल किए जा रहा है। मैं तुझे ऐसे उड़ाऊंगा कि तेरे घर वालों को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। सॉरी बॉस, मैंने आपको भगवान मान के फोन किया है। बॉस मुझे माफ कर दीजिए बॉस। सॉरी बॉस। मुझे तुम लोगों को माफ कर ही देना चाहिए, क्योंकि जितने पैसे मैं देता हूँ उतने पैसों में तुम जैसे ही मिलेंगे मुझे। बॉस अगले महीने से 999 में 1 रुपया बढ़ा के 1000 कर दो बॉस, तुम्हारी भी जिंदगी समझ जाएगी बॉस। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं दूंगा। अगर 1000 रुपए हो गए तो तुम्हें 500 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसी बात है बॉस, तो फिर रहने दो, हमें पगार ही नहीं चाहिए। ये तो और भी अच्छा है बॉस। बॉडी? हाँ, उसे छुट्टी छुपाते गांव के बाहर ब्रिज के पास से नीचे फेंक दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझे? ओके बॉस। गुरु, 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 हमारी नींद हराम करके आप आराम से सो रहे हो। क्या हो गया जानी, बता, डील पक्की हो गई क्या? जानी डील ओके हो गई क्या? तुम जाना ना तो मोटर बाइक से मत जाना। गुरु मेरे पास बाइक के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा रुक एक मिनट। ए अवलदार। सर बुलाया आपने? ब्लेड ला के जरा इसे साफ कर दे। यही खड़े होकर सब कुछ सुन रहा है, फिर भी देखो कैसा नाटक करता है ये बदमाश। सर शांत हो जाइए, बताइए क्या बात है? है मेरे जाने के लिए कोई व्हीकल है तो जरा इंतजाम कर देना। सर है? अपना भी कुछ काम नहीं है, है। वो जीप है ना, आप उसे दे दो। इसे एक पुलिस ड्रेस दे दो, सिटी दे दो, गाड़ी में घूम करके ड्यूटी करेगा शहर में। सर जो चीज हमारे पास में ही नहीं है उसे दुनिया को दिखाने के लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हो?
सर हवलदार गलत डायलॉग बोल के आपको कंफ्यूज कर रहा है। पांडुरंग को कंफ्यूज कर रहा है, हिम्मत नहीं करना, इसके सीक्रेट को तू जानता है ना, चल बता 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 क्या। सर बताता हूँ मगर एक शर्त है। अबे जितनी भी शर्तें हो बता। सर मुझे पेरोल पे छोड़ दिया तो मेरे एरिया में रहने वाला सेठ कहाँ गया है, उसकी बीवी से बात करके मैं सुबह आ जाऊंगा सर। अबे पापी गल्लू है, इसका सीक्रेट बताने को बोला तो तू अपना ही उल्लू सीधा कर रहा है। लगता है ऐसे ही सारे काम करके आप ऐसा ही बने हैं। इसने फिर से कुछ कहा, क्या कहा? वही सर, उसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इस कल्लू को इसी जेल में इसी जगह पे 6 महीने के लिए फिक्स कर दो। गुरु है इन लोगों का तो सेटल कर दिया, अब मेरा क्या होगा? ऐसा नहीं है यार। सर क्या है? सर आपसे एक काम है। अरे क्या काम है बताना। सर, हम दोनों खाकी है लेकिन आपके जैसा दिमाग नहीं है। कहो 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 जो भी है कहो। सर पास में ये सब हम लोगों ने 2 दिन पहले MHDC MS अडर को स्मगलिंग के केस में पकड़ा था, वो इसे दे दीजिए सर। ए बट्टो खाकी पहनने के बाद पहली बार ऐसा आइडिया दिया है, दिल कर रहा है तेरे गाल नोच लूं। अबे ऐसे पोज मत दे, वैसा आदमी नहीं हूँ मैं। वैसे तेरा आइडिया बहुत पसंद आया मुझे, जाने वो कार लेकर के जा। अब क्या है? मगर एक प्रॉब्लम है, उस गाड़ी में बैटरी नहीं है सर। बैटरी सर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो आप? पिछले हफ्ते बिना कलेक्शन के आपकी बीवी के लिए साड़ी का सिलेक्शन किया था ना, वो उस गाड़ी की बैटरी बेचने के बाद ही किया था। मैं तो अब तक इसे ही सबसे बड़ा बेईमान समझता था, लेकिन तू तो इससे भी बड़ा बेईमान निकला। अब तुम दोनों साथ में मिल जाओ तो मेरी इज्जत बाजार में नीलाम कर दोगे बे। मुझे क्या करना जल्दी से बताइए, मुझे आपके घर में बैंगन लेकर जाना है, मैडम अर्जेंट बोली है। बैंगन? अबे मेरी बीवी बैंगन क्यों मंगाने लगी? वो आपकी प्रॉब्लम है सर, मुझे क्या पता। अरे इससे मैं प्रॉब्लम कुछ और है सर। वो जो कार है ना, उसमें अपने डिपार्टमेंट की गाड़ी की बैटरी निकाल कर फिक्स कर दो। फिर अपने जीप को सरकारी खजाने से एक नई बैटरी बना लो। क्या आइडिया है आपका? जानी डील ओके हुई तो तुम्हारी लाइफ सेटल, लेकिन मेरी लाइफ का क्या होगा? ए कृष्णा तू मेरा लंगोटिया यार है, तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? अब तक ऐसी कोई चाय की दुकान नहीं बनी होगी, वैसी दुकान मैं तेरे लिए बनवा दूंगा। क्यों जानी मेरे ऊपर इतनी बड़ी नाराजगी? दूध के जैसे दिल रखने वाले इस कृष्णा के हाथों से दूध में पानी मिलाने का काम करवा रहा है, वो भी इस कलयुग के कृष्णा के हाथों से। मैं ये नहीं करूंगा, मेरा जो भी है वो ये 1 रुपए का ब्लेड ही काफी है जिंदगी जीने के लिए। तेरी जिंदगी के लिए 1 रुपए का ब्लेड ही काफी है, लेकिन जो पैसा खोया हुआ है उसके बारे में कभी सोचा है क्या तूने? क्या करे भाई, तुम्हारी लाइफ में जास्मिन नाम की फूल आई है और इस कृष्णा की लाइफ में कांटे ही कांटे भरे हुए हैं यार। फूल आएगा तब सोचेंगे, अभी फिलहाल कार को धोते हैं। गणेश जी को पानी में विसर्जन करने के बाद ये मूषक वाहन इस वाहन में क्या कर रहा है? हेलो थोड़ा साइड में जाओ। देखते ही वो गायब हो गया, हमारा जानी ताजमहल के पास चला गया। जीने को छोड़कर रहने को छोड़कर वो प्यार में लुट गया। डरा 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 अरे प्यार में लुट गया। ये कैसा साउंड है? ये कृष्णा ये आवाज कैसी आई पीछे? जानी कोई एक टायर डिस्काउंट करके फट गया होगा। अबे शुभ शुभ बोल, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहा है, जा जाके देख। सॉरी मैं अशुभ नहीं बोलूंगा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है यार। यार डिक्की पूरी जाम हो गई है, चलो जाने चलते हैं। अबे चल। भाई और कितने दिनों तक मुझे ऐसे ही मिर्ची लगाते रहोगे? अगर आप मुझे इसी तरह सूसू करने के लिए नहीं जाने देंगे तो मेरा ब्लडर फट जाएगा भाई। ए, चुप कर बदमाश, डील खत्म हो गई और अभी तक बोलोगे आप वापस नहीं लौटे, मैं कितनी टेंशन में हूँ और तू अपने ब्लडर की बात किए जा रहा है? तू बहुत बेकार की साउंड कर रहा है, मैं वो पत्थर उठा के तेरे सर पे मार दूंगा और तुझे हमेशा के लिए साइलेंट कर दूंगा। टेंशन दे रहा मुझे। बॉडी को सही तरह से डिस्पोज किया ना तुमने? Hey, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुमने ठीक से बॉडी को डिस्पोज किया या नहीं? अरे वॉल स्ट्रीट से खाने भी नहीं देते, क्या परेशान कर रहे हो? बजरंगी बॉस,
काम का क्या हुआ ये बताओ। ये बजरंगी जहाँ जहाँ हाथ लगाता है गोल्ड है लोहा है बॉस। अरे हमें तो लगा कि आप किसी शेर का शिकार करने के लिए भेज रहे हो, लेकिन हुआ क्या आपको तो मालूम मतलब है? वो चूहा निकला तो नहीं बॉस, वो उससे भी कमजोर है, पकड़ते ही फुस करके मार गया। ए, अब चाहे जो हो जाए होने दो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने काम सही तरीके से किया या नहीं, इस बात पे मुझे डाउट है अभी भी। बॉस आपको डाउट है तो एक बार डॉक्टर के पास चेक करवाओ बॉस। डॉक्टर की तो अबे बच्चा इन लोगों पर भरोसा किया तो रेडी कर लो अपनी कुर्सी। इसके कपड़े उतार के चढ़ा दो मिर्ची इसके अंदर। बॉस अगर डाउट है तो इसे डॉक्टर के पास ले जाकर चेक करवा लो ना। तुम कुछ भी बोलो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सही तरीके से ये बताओ कि तुमने काम सही किया या नहीं। अरे माँ इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं कि अब तो मुझे भरोसा करना ही पड़ेगा, मुझे भरोसा हो गया। ऐसा है तो आप हमें पार्टी देंगे ना बॉस? पार्टी नहीं सुपर पार्टी। ए जाओ एंजॉय करो। ए मिर्ची अब तेरी लगने वाली है। तेरे मिर्ची का कुर्सी गया गारंटी। चलो जानी इन दोनों थिएटर में कोई भी फिल्म नहीं चल रही है यार, टिकट लेना वेस्ट है। जानी तीसरे थिएटर में एक्शन का फुल रिएक्शन रहेगा। जानी इस थिएटर में हीरो नहीं आया ना, इसलिए हीरोइन बहुत टेंशन में घूम रही है। मगर जानी हीरो खाना खाने को भूलेगा। स्टॉप, बॉर्डर क्रॉस मत कर, बॉडी के लिए खतरा है। बारिश का इंतजार करने वाले किसान का क्या हश्र होगा जानी। सब कुछ छोड़कर खामोश बैठना होगा, है ना जो? सही बोला। मिर्ची उधर कौन है? मेरे भाई का फोन लगातार रिंग हो रहा है। तेरे भाई का फोन लगातार रिंग हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है बे? तूने मुझे फोन क्यों किया? देखो मिर्ची अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो हम दोनों को अंदर जाना पड़ेगा। ए, मुझे बहुत सारा काम करना बाकी है अभी, तुम चाहो तो तुम अंदर चले जाओ। ए, सुपारी लेते वक्त तो तुम्हारा बात करने का अंदाज अलग था, पर अब तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? अरे कौन था वो, तुम किसकी बात कर रहे हो ये बताओ। अरे मैं बिजनेसमैन श्याम सुंदर की बात कर रहा हूँ। दोनों एक ही तो है, बोलो बोलो क्या बात है। अरे फोन होता ही रिंग होने के लिए है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं? हे, मेरे भाई का मर्डर करके अगर उसे पानी में फेंक दिया है तो उसका फोन कैसे रिंग हो रहा है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। देखो भाई आपका भाई तो स्विच ऑफ हो गया ये कंफर्म है। मोबाइल कौन सी बड़ी बात है, बैटरी जब तक चार्ज रहेगी वो रिंग होता रहेगा, उसके बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। सर आप मेरे वेट पर डाउट कर रहे हो, वहां तक मैं सोच सकता था, आप मेरी हाइट पर डाउट कर रहे हो, मुझे दुख हो रहा है। अब सुनो, मैं दुनिया को डराने वाले हिटलर के खानदान से हूँ। हम एक बार फील्ड में उतर जाते हैं तो बस हम सबके कपड़े उतार देते हैं। क्या कपड़े? ये बात तुम जैसे छोटे लोगों को समझ में नहीं आएगी। ए मिर्ची तुम जो भी बोल रहे हो मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करो, फोन ऑफ करो और सो जाओ। खाओ रे। हेलो, मैं पांडुरंगा बोल रहा हूँ। मैं सुधाकर शेट्टी बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, क्या बात है बोलिए सर। कल रात से ही श्याम सुंदर गायब है, उसकी कार तुम्हारे एरिया में मिली है, उसकी इंक्वायरी की तुमने? सर कार को कस्टडी में ले लिया है, मैं खुद इंक्वायरी कर रहा हूँ सर। इस केस को जल्दी सॉल्व करो, जो गायब हुआ है वो मुझे जान से भी प्यारा है। सर 24 घंटे के अंदर सॉल्व करूंगा। पांडुरंगा के लिए ये चुटकी का काम है सर। थैंक यू ऑफिसर, हमारी पार्टी ऑफिस में श्याम सुंदर के सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, उसे कलेक्ट कर लो। ओके सर। इन्वेस्टिगेशन के बारे में मुझे रिपोर्ट देते रहिए, इसे मेरा ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट समझिए। ओके सर। ए बट्टू सर जीप निकालो, कुछ काम है, चलो। ए, मेले में खोए बच्चे की तरह क्यों देख रहा है मुझे मुंह फाड़ कर ऐसे? चल सर,
मैं तो जीप निकाल लूंगा, लेकिन आपको पुलिस स्टेशन में ताला लगाना होगा। अब ताला क्यों भाई? मैं और शेट्टी जीप को धक्का मारेंगे और आप स्टेयरिंग को घुमाएंगे। अगर हम सब चले गए तो सेल में ताला लगाना पड़ेगा ना। अब खोल के बताना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही सर, अपनी जीप की बैटरी नहीं है सर। क्या बोल रहे बे? पुलिस स्टेशन में खड़ी पुलिस की जीप से बैटरी चोरी हो गई? बेवकूफ, तुम लोग क्या कर रहे थे? रात की ड्यूटी में लाइट बंद करके सो रहे थे क्या? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। ए, जो भी बोल रहे हैं जोर से बोल। वही सर, रात को आपने अपनी जीप की बैटरी जॉनी को दे दी थी ना? ऐसा क्या? होशियार है, बहुत तरक्की करेगा, तेरे लिए बात करता हूँ। फोन दे, मेरे पे बैलेंस नहीं है। किसी का भी नंबर भूल जाओ, जानी का नंबर नहीं भूलता। जानी, जानी यहीं पे गाड़ी रोको, रोको। जानी बस यहीं पे, बस मैं जाकर फाइल लेकर आता हूँ, तुम वेट करो। नमस्ते सर। नमस्ते, ये लीजिए। ये तो एकदम हीरो लग रहा है। ओके, थैंक यू। जाने चलता है ना गुरु? हाँ चलो चलो चलो। ये तरह जो इतना उदास क्यों दिख रहा है? वो ना सुबह सुबह मुझसे हड्डी मांग रहा था, तो मैंने उसे कहा कि मैं शाम को दे दूंगा, इसलिए वो रूठकर उदास बैठा। जी करता है इस समंदर के किनारे हम जिंदगी भर बस बैठे ही रहें। मेरी सोच एकदम सही है ना? जानी, तुम्हारी शुरुआत सुनकर तो मुझे लगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड में तुम्हें ही दे दूं, इतनी अच्छी शुरुआत थी। लेकिन आखिर में तुमने अपनी समझदारी दिखा ही दी। थैंक यू स्वीट हार्ट, एक तुम ही तो हो जो समझती हो मुझे। What? तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। मेरी बात तो मैं ही नहीं समझा तो तुम्हें कैसे समझ में आएगी? मैंने जो मांगा है वो तुम कब देने वाली हो? क्या? मजाक मत करो। हाँ जैस्मिन, मैंने तुमसे कुछ मांगा है और उसे पाने के लिए तो अब तक इंतजार कर रहा हूँ। जानी जो पाना चाहता है वो जैस्मिन देने के मूड में नहीं है। जैस्मिन, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं पास्टर बन जाऊंगा। तुम पास्टर बन जाओगे तो मैं सिस्टर बन जाऊंगी। प्लीज जैस्मिन, फिर कभी ऐसी बातें मत करना, तुम्हें मेरी कसम। हे जानी, इतने सीरियस क्यों हो गए हो? जस्ट किडिंग या जानी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। इस जानी की लाइफ में ये जो और जैस्मिन बस दोनों ही हैं। जानी, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। जैस्मिन, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, यू टेक केयर। जो आहा गुरु, अरे गुरु यहाँ, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता ना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल पीछे घूम जा, पीछे घूम, जल्दी घूम, आगे बढ़। ऐसे ही जा रहा था, तुम्हें देखा इसलिए। क्या बात है? बताता हूँ, आज रात को मैंगलोर शहर में तुम्हारी डील खत्म होनी चाहिए। आज रात को? हाँ, बहुत सावधानी से रहना होगा, कोस्ट गार्ड्स की सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। ये डील खत्म हुई तो उधर देख रहे, ये डील पूरी होने के बाद तुम भी सेटल, मैं भी सेटल। इसीलिए मिस नहीं होना चाहिए, समझ गए? उसके घर में मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। मैं तेरी मोटरबाइक में जा रहा हूँ, तू मेरी कार में चला जा। I'm okay, no problem. ए उधर क्या देख रहा है? इतनी धूप में खड़े होके पत्ते गिर रहा है क्या? चल चलता हूँ। ठीक है, जाओ ना, जाओ ना। मोबाइल पे रिंग जा रही है रे। बॉस, मोबाइल है तो रिंग होगी ना। लगता है आप नकल मार के पास हुए बॉस।
अबे नहीं नहीं नहीं, मैं आईएएस लिखकर पास हुआ हूँ। मैंने तो सुना था कि आईएएस क्वालिफाइंग एग्जाम है बॉस। एक बात ये बताओ कि तुमने ये बात कैसे जान ली? अपने कॉमन सेंस से बॉस। यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बात बता दो कि तुमने उसे मर्डर करके फेंका भी या नहीं। लेकिन हम लोगों ने तो उसका मर्डर ही नहीं किया बॉस। मर्डर 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 नहीं किया तो फिर मार के कैसे फेंक दिया तुमने? आप भी ना बॉस बहुत अच्छा मजाक करते हैं। अरे मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी कसम खा के ये बोलता हूँ कि अगर मेरी बॉडी में जरा सा भी पानी होता तो वो आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता और चार बाल्टी भर जाती। अब ये बता दो तुमने उसका मर्डर कैसे किया? बॉस हमने उसका खून किया है, मर्डर नहीं। हे भगवान, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हम 7 लोगों ने पानी पिया था लेकिन तुम 4 लोगों के साथ अगर मैं ज्यादा दे रहा हूँ। सोडा पियेंगे बॉस? दे दो। ये कैसे किया तुमने? हमारा टैलेंट है बॉस। ऐसा क्या? अरे नालायक, ये बताओ मर्डर कैसे किया? बॉस टेंशन मत लीजिए, बॉडी को हमने कैसे डिस्पोज किया ये बताना है ना। अरे यही तो पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ कैसे किया, जल्दी बताओ जल्दी। हम आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे बॉस। वेरी गुड, क्या बात है, तुमने एक्सीलेंट काम किया। वेरी गुड वेरी गुड, मर्डर किया ओके, लेकिन तुमने बॉडी को डिस्पोज क्यों नहीं किया? बॉस बॉडी को डिस्पोज करने के लिए 4 लोग चाहिए थे इसीलिए। अरे ना वो क्या कर रहे हो? उठाओ। पापा को सरप्राइज देती हूँ। वेलकम टू पलम्बोर बीच कार्निवाल। अब थोड़ी ही देर में मोहक तारा का डांस शुरू होने जा रहा है। उनके डांस को जानी के लिए दूर दूर स्टेज ऐसा है तो स्टेज पर नाचने वाली कैसी होगी सोचता हूँ तो पूरी बॉडी जानी इस दिन से आने वाला मेरा हिस्सा मुझे दे देगा ना। मैंने कब बोला था कि मैं तुझे हिस्सा दूंगा? जानी तू ऐसी बातें मत कर यार, मैं कितने ख्वाब देखकर तेरे ही भरोसे पर यहाँ पर आया हूँ यार, समझा? हाँ। हेलो गुरु, मैं आपके फोन का ही वेट कर रहा था। जानी आज डील मत कर। लेकिन क्यों, क्या हुआ? अपने डील के बारे में कोस्ट गार्ड्स को पता चल चुका है। गुरु अभी क्या करें गुरु? वापस आ जा। हाँ ठीक है। जानी डील ओके है ना? नो डील। तू मजाक तो नहीं कर रहा यार? कोस्ट गार्ड अपनी जिंदगी का तमाशा बना रहे हैं। ए जानी हमने गला तो गीला नहीं किया लेकिन अंदर जाके डांस करके बॉडी तो गीली कर लेते हैं। सॉरी हमारे बंदों ने एल्बो लगा रखा है लेकिन फिर भी आप डीएल देख सकते हो सर। रहने तो सर, गलती तो इंसानों से होती है जानवरों से नहीं। आप जाइए। वेरी गुड, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। अगर गाड़ी डैमेज हुई होती तो हमारे बारे में तुम्हें सब पता चल जाता। अरे चुप रहना यार, इनको बुरा लग गया। बुरा मत मानना, ये पागल है। नहीं सर, लगता है कि इनको बहुत बुरा लग गया। एक्चुअली हुआ ये था कि सर, ये तो सीक्रेट फिल्म का डायरेक्टर लग रहा है, खींच खींच के बातें कर रहा है। चलो गुरु चलो, हमें स्वर्ग में जाना है, आओ जल्दी करो। डोंट वरी डोंट वरी, आई विल कम, एंजॉय एंजॉय। बस वो लोग बोल रहे हैं वो स्वर्ग में जा रहे हैं, अंदर क्या है बस? अबे तुम लोगों ने जो काम किया उसके लिए स्वर्ग नहीं नर्क देखना चाहिए। चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। वो तो हमेशा मारते ही रहते हैं। ये मुझे क्यों देख रहा है? Very nice dog. I like dogs. Sorry. This is for you. You want one more? Take it. लगता है ये लोग डिकी को बंद करना ही भूल गए। कोई बात नहीं, मैं बंद कर देता हूँ। तो जल्दी आइए, कमान बजरंगी बाबू। चलो
अभी आप लोग जाइए, कल सुबह आइएगा। ओके सर। ना 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 क्या मस्ती बस मिली होती तो काट कर खा जाता। क्या? कुछ नहीं यार। थू हेलो सर, बोलिए ना सर। जानी कहाँ? मैं यहाँ कार्निवल के पास हूँ सर। अगर हो सके तो मेरे घर पर आओगे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बस मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा सर। कृष्णा तू जो को लेके घर चला जा, मुझे जरा काम है, मैं आता हूँ। बाय। गौड़ा जी आप इस वक्त मेरे घर पर? भैया आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए आया हूँ। गौड़ा जी जो भी है कल सुबह बात कर लेंगे ना, अभी आप जाइए। आप जैसे राजनेताओं के लिए क्या रात और क्या दिन, जो बात करने आया हूँ वो करके जाऊंगा। तो जो भी कहना है जरा जल्दी बोलिए, मुझे और भी दूसरे काम है। सुनिए मेरे जिम्मे भी बहुत सारे काम है, मगर फिर भी मैं आपके पास आया हूँ। गौड़ा जी घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, सीधे मुद्दे पर आ जाइए। भैया एकदम सही कहा आपने, सीधी बात करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, मैं सीधा मुद्दे पे ही आता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, मैंने पार्टी के लिए इतने सारे त्याग किए, सोचा था पार्टी मुझे ही कुर्सी देगी और देती भी, लेकिन नहीं दी आपके चलते। मेरी बात सुनो, ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है, यहाँ की जनता का प्यार और अपनी पार्टी का जो मुझ पर भरोसा था उसे मैं कैसे ठुकरा देता। मैंने हमेशा अपने अधिकार से लोगों का भला ही किया है, इसीलिए। भला करिए सर, कौन मना करता है, लेकिन मेरा तो बुरा हुआ ना, उसका जिम्मेदार कौन है? जरा एक बार खुद को आईने के सामने खड़ा करो और फिर ये सवाल पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। आप इनडायरेक्टली मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, आपकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष जो है। आपको इज्जत देने के लिए नहीं, लेकिन उस कुर्सी को तो इज्जत देनी ही पड़ेगी ना भैया। एक बात सुन लो, राजनीति को कभी पैसा कमाने की वजह मत समझना। भैया राजनीति में हम खादी पहनते ही हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये बात आपकी समझ से ऊपर है। कहना क्या चाहते हो, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। आपको लगे न लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम किसके सामने बात कर रहे हो इसका ख्याल रखो। पता है तभी तो इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही बात करते रहे तो सुबह हो जाएगी लेकिन बात खत्म नहीं होगी, इसलिए हम में से किसी एक को चुप होना होगा और तुम्हें। सर सर बस बस यही रोक दो। या थैंक यू। सर मुझे आने के लिए बोलकर ये कहां चले गए? Yes.
जानी मुझे मारकर अंदर आया था। अरे साहब, उसने साहब को मार दिया। अरे बाप रे भैया, उस जानी ने बोला था कि वो आपको खत्म कर देगा और उसने वैसा ही किया। जिस पे आपने विश्वास किया वही आपके लिए यमराज बन गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आपके साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भैया, नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ पापा, क्या बात है? मुझे माफ कर दो बेटी। माफ कर दो? हाँ बेटी। क्यों पापा? तुमने जब मुझसे कहा था कि तुम चोरी करना छोड़ दोगी तो उसी से नाराज होकर मैंने तुम्हारे ऊपर हमला करवाया था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा कि मैं कितना गलत था। मैं तुम्हारा सगा भाप तो नहीं हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें बेटे से बढ़ के माना है। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसी बातें मत कीजिए आप। जो हो गया सो हो गया, बहुत देर हो गई है, अब जाकर सो जाइए। तुमने मुझे माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन वो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पापा, इतना सोच सोच कर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मेरी चिंता मत करो बेटी, मेरा तो समय पूरा हो गया है, लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए भगवान ने अच्छा रास्ता दिखाया है। इतने पैसे? ये तो सिर्फ एडवांस है बेटी। एडवांस? हाँ। किस बात के? एड कंपनी में तुम्हें काम मिला है, 1,00,000 एडवांस दिया है। काम खत्म होने पे 3,00,000 और देंगे। अगर ये काम छूट गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मेरी तो उम्र हो गई है बेटी, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कौन है बेटी? मना मत करना। लेकिन जास्मिन, तुम चाहती हो तुम्हारी जिंदगी जाने के साथ सुकून से बीते, तो तुम्हें यह मानना ही होगा बेटी। जॉनी बहुत अच्छा लड़का है। मैं तुम दोनों की जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, लेकिन तुम्हें जल्दी ही मुंबई के लिए निकलना होगा। मुंबई के लिए? हाँ बेटी, ये कंपनी मुंबई की ही है। अभी तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। हेलो जानी, कल रात मैंने तुम्हारा फोन कितना ट्राई किया, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। कहाँ चले गए थे तुम? थोड़ा काम से बाहर गया था इसलिए नॉट रीचेबल आया होगा। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी टेंशन में क्यों? एक गुड न्यूज है। क्या है? एक एड कंपनी ने मुझे मॉडलिंग का काम दिया है। जैस्मिन, अभी अप्रैल नहीं मई चल रहा है, मई महीना। मई का और मेरी बात का क्या संबंध है? तुम मुझे बकरा बनाकर अप्रैल फूल बनाना चाहती हो, इसलिए मैंने ऐसे बोला। जैसे बुद्धू बकरे हो ना तुम, बकरा बनाऊंगी भी ना, कोई कसाई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। इस बकरे पर कसाई नफरत करेगा तो फिर वो अपना संसार भला कैसे चलाएगा? जानी, तुम बेकार की बातें करते रहोगे ना तो मैं फोन कट कर दूंगी। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। व्हाट नेक्स्ट? मुझे मुंबई जाना होगा। मुंबई जाना है? हाँ जानी, मेरी शूटिंग मुंबई में ही है। और एक बात जानी, उस कंपनी ने मुझे 1,00,000 रुपया एडवांस दिया है और शूटिंग खत्म होने के बाद 3,00,000 रुपए और देंगे। तो अब से तुम सारे बुरे काम छोड़ दो, ये जैस्मिन कमाई करके
अपने जानी को अपना राजा बनाएगी। क्या कहते हो जानी? जानी क्या हुआ? मुंबई कब जाना है तुम्हें? अभी बाहर कार भी आ गई है। क्या, अभी? अभी जैस्मिन मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं जानी, तुम्हारे आने तक मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे अभी निकलना है। बस एक मिनट जैस्मिन, तुम मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें जो भी बोलना है ना, वो 3 दिनों के बाद जब मैं आ जाऊंगी। बाय, लव यू बेटी। टाइम हो गया है बेटी। पापा एक मिनट, जानी चलती हूँ। हाँ सी यू। हेलो 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 जैस्मिन, संभल के जाना। ये लो। जानी जानी छोड़ यार, मैं पहले ही टेंशन। अरे जानी जल्दी से उठो, ये पेपर देखो। अरे यार क्या है कृष्णा, सुबह सुबह दिमाग खा रहा है। शेट्टी की मौत हो गई? ए, कल रात को ही तो मैंने फोन पर बात की थी इनसे, ये ठीक तो थे। अच्छा तू जो को लेकर बाहर जा, मैं वहां जाकर आता हूँ। ठीक है। जानी आया है। मैं सुधाकर शेट्टी की बेटी ऐश्वर्या हूँ। अब मैं जानी हूँ। मैं जानती हूँ, पापा ने फोन पर मुझे आपके बारे में बताया था। अब ये कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता, मैं यूके से घर वापस आ रही थी, आते ही लेकिन एक बात तो तय है, मेरी पापा की मौत नेचुरली नहीं हुई है, ये हार्ट अटैक नहीं हो सकता। हाँ मुझे भी वही लगता है, क्योंकि पहले भी आपके पिताजी पर 3 बार मर्डर अटैक हो चुके हैं। आपने मेरे पापा को 3 बार बचाया है, ये बात मैं जानती हूँ। वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। जानी मैं अपने पापा के मौत के बारे में डिटेल में बात करना चाहती हूँ, प्लीज शाम को मिलना। श्योर, एनी टाइम, मैं हार्बर में रहता हूँ, वहाँ आ जाना। ये क्या कर रहे हो? ए, क्यों नाटक कर रही हो? ए लड़की, छोरा इस धंधे में पहले से ही है। अगर तू पहले ही पड़ाव में फेल हो गई तो तेरे बाप को दिए हुए 1 लाख बेकार में चले जाएंगे। तेरे बाप ने तुझे समझाया नहीं? तो बाकी के 3 लाख कब देंगे? ए गाड़ी आगे बढ़ा।
मैडम बहुत दुख की बात है, लेकिन अपने आप को संभालिए, रोइए मत। ये मेरे पापा की मेडिकल रिपोर्ट, जानी मैं अपने पापा के पर्सनल डॉक्टर से मिली थी। He said he was totally fit and fine. हार्ट अटैक तो सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ है, मैं उसे नहीं मान सकती। मैडम तुम मुझे ऐश्वर्या नाम से बुला सकते हो। आप जो कह रही हैं वो सही है, आपके पिताजी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, इट्स अ मर्डर। मेरे पापा ने किसी पे अन्याय नहीं किया, हमेशा गरीबों की मदद करने वाले मेरे पापा का खून हो गया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। राजनीति ऐसी ही है, ये किसी को भी समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है, अगर आपके पिताजी की मौत से किसी का भला हो सकता है तो वो है मिस्टर गौड़ा। मुझे इतना तो पता है कि इस गौड़ा को जिलाध्यक्ष बनने का बहुत शौक था, मगर पार्टी वालों ने आपके पिताजी को अध्यक्ष बनाया, आने वाले चुनाव में आपके पिताजी को एमपी की सीट दे दी। हमेशा आपके पिताजी के पास रहने वाला, हंसते हंसते बात करने वाले गौड़ा की आंखों में मुझे गलत नीयत लगती थी, इसमें उसी का हाथ हो सकता है। वैसे आपके पिताजी के अच्छे कर्मों की वजह से वो 3 बार बच गए थे, मगर इस बार घर के ही दुश्मन को वो ठीक से पहचान ना सके। तुम कुछ बोल रहे हो, गौड़ा कुछ बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मेरे पापा के कातिल को पकड़कर उसे सजा दिलवानी है, उसमें तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ऐश्वर्या इस मामले में जानी आपको हमेशा मदद करेगा, टेक केयर, मैं चलता हूँ। कृष्णा जानी आज बहुत थक गया है, इसलिए वो थोड़ा आराम करना चाहता है। मतलब आज मुनि अम्मा की झोपड़ी में पी के फुल टाइट होना चाहते हो क्या? जानी ऐसा लुक कल दिया था तो ठीक था, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मैं पूरे 1 महीने के बाद पानी गर्म करके उसमें शैम्पू डालकर बड़े अच्छे से नहाया हूँ। और रही बात जो की, तो वो भी नहाया है, डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट्स की वजह से सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन गाड़ी में इतनी बैड स्मेल क्यों आ रही है? ए जो, तुझे रिएक्शन में कोई भी नहीं हरा सकेगा। फिर भी जानी, तेरे बोलने के बाद मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी अब बास आने लगी है। अब तू डिक्की खोल कर दे, नहीं तो बास से तेरा सर फट जाएगा। गाड़ी में चूहा बुआ मर गया क्या? देखता हूँ देखता हूँ। जानी गाड़ी में बॉडी, बॉडी में क्यों चिल्ला रहा है यार? ये क्या? अरे कृष्णा, रोज हम घर में बैठकर जिसकी फिल्में देखते थे, ये तो वही सिनेमा का हीरो है ना? जानी इसके पास सोने के लिए अपार्टमेंट है, उसके बाद भी अपनी कार की डिक्की को अपार्टमेंट समझकर सो गया जानी। अरे ये सोया नहीं है, इसका किसी ने खून करके यहाँ हमेशा के लिए सो दिया। खून, खून। अबे अगर ऐसे चिल्लाएगा ना तो सुबह का नाश्ता हमारे जेल में होगा, समझा क्या? इसलिए चुप कर। जानी अब इस बॉडी का क्या करेंगे? गाड़ी बॉडी। कृष्णा परफेक्ट जगह है। जानी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं होगा, उठा। चल चल। कैसी किस्मत है अपनी यार। डर मत। 1, 2, 3 ये मोबाइल तो अभी भी रिंग हो रहा है। अरे हाँ, मैं जानता हूँ कि मोबाइल होता है तो रिंग ही होता है। रे चुप रहे, क्या हालात हो गए हैं। अगर मैं अपने गांव में होता तो सबको मिठाई खिलाता, लेकिन शहर आने के बाद मुझे सबको सिर्फ मिर्ची खिलानी पड़ रही है। आपने मिर्ची सबको कब खिलाया मुझे बताया नहीं बॉस। अबे बेवकूफ, तुम लोगों की मेरे प्रति भक्ति देखकर मुझे ये लगता है कि मैंने कैसे लोगों को अपने आसपास पाल रखा है। हमारे काम का फल कब मिलेगा बॉस?
अगर अच्छी भक्ति करोगे तो कैसा फल मिलेगा? बस हमें इतना भी नहीं पता हम फर्स्ट क्लास कैसे फेल होंगे बॉस। अच्छा तो फिर तुम क्या समझे? वही बॉस, पहाड़ों पे जो लाल लाल फल पाया जाता है वही ना। अरे सुन, खाने वाला फल अलग होता है रे, और मेरी भक्ति वाला अलग। अरे दोनों एक ही है बॉस। अरे अगर मैं तुम लोगों से ऐसे ही बहस करता रहा ना तो तुम लोग मुझे वक्त से पहले पागल बना के छोड़ दोगे। उसके लिए तो आपको अपने बाल बड़े करने होंगे, कपड़े भी फाड़ने पड़ेंगे बॉस। वाह पहला करेक्ट बोला तूने, पर ये तुझे कैसे पता? कॉमन सेंस है बॉस। अरे तुम ये बताओ कि तुमने बॉडी को डिस्पोज कैसे किया? तुमने बॉडी को कार में क्यों रखा? ये कोई बॉडी नहीं बॉस, तो? डमी है। डमी है ये? डेमो के लिए डमी बॉस। डेमो डमी? अरे अरे जो भी है साफ साफ बताओ बात क्या है। बॉस हम लोगों ने जो किया वो मर्डर है। अरे वो मर्डर नहीं, वो खून हुआ। नहीं बॉस वो मर्डर था, ये खून है। अबे बेवकूफ हो तुम, बात को ऐसे बदल रहे हो जैसे डेली अंडरवियर बदलते हैं। असली बात क्या है वो बताओ ना। बॉस हमने जो किया वो खून है या मर्डर ये बताइए। अगर मैं तुम लोगों से ऐसे बात करता रहा तो लगता है मुझे खुद कूद के जान लेनी पड़ेगी। मैं चला हूँ। छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे अपने भाई से भी कहीं ज्यादा प्यार करते हो, ये दिख रहा है मुझे। तुम लोगों ने मेरे दिल को छू लिया, सीधा किस किया मुझे। मैं भी पिस करके आता हूँ बॉस। किस और पिस, ये सब बाद में, पहले ये बताओ कि उस बॉडी को कहाँ और कैसे डिस्पोज किया। बोलो। ओके बॉस। हे वहाँ तो एक नहीं दो दो बॉडी है बॉस। एक बॉडी है, दूसरा डमी है। हे यहाँ कल परसों तो कोई बॉडी नहीं थी, आज यहाँ कहाँ से आ गई? बॉस पुलिस वाले को फोन करके इन्फॉर्म कर दे क्या? तुम लोगों को इतने दिन पाला सब कुछ वेस्ट किया। अगर मेरे मोबाइल से फोन करेगा तो पुलिस को पता चल जाएगा कि नहीं। कहीं आसपास कोई कॉइन बूथ हो तो वहाँ से फोन करते चल। बॉस इसीलिए तो हम आपको बॉस कहते हैं ना। मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों सलमा भी गए खड़ी खड़ी। अब सर सर पांडू, मैं यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, ये सोचा है क्या तुमने? नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए आया हूँ। क्यों सर तबीयत ठीक नहीं है क्या? देखो अगर मैंने इस वक्त ड्यूटी ज्वाइन की तो मेरा सितारा कभी नहीं चमकेगा। जितना जरूरी ये पुलिस की वर्दी है उतना ही जरूरी मेरे लिए दूल्हे का चेहरा है। शादी सर? किसकी सर? अरे और किसकी, मेरी ही शादी है। शादी में नहीं आओगे चलेगा, लेकिन बेटे के नामकरण में जरूर आना। तो सर इतने दिनों तक आपके साथ क्वार्टर में कौन थी सर? वो लर्निंग लाइसेंस थी, ये परमानेंट वाली है। सर आप तो बड़े रसिक हो सर। बैठ जाओ पांडू, रहने दीजिए, बैठ जाओ ना। ठीक है थैंक यू। मेरे सारे काम निपटाने तक तुम ही इस पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हो, तुम ही हो। थैंक यू सर। सपना था सर, स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। फोन उठाइए सर। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? नहीं रेलवे स्टेशन से। सॉरी रॉन्ग नंबर। 100 डाल के तो पुलिस स्टेशन से ही बोलूंगा ना। बोल क्या हुआ? अब तो सब कुछ हो गया, और क्या होना चाहिए। ऐसा तो फोन रखो। हेलो सर, गुरुपुर ब्रिज के नीचे एक बॉडी पड़ी हुई है। अरे पड़ी रहने दो, बाद में उठ जाएगी। अरे लाश कैसे उठेगी? लाश? मैं लाश के बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ और मुंह बंद करो। आपका नाम? मैं इतना सीरियस मैटर तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम्हें मेरे नाम की पड़ी हुई है। जल्दी आ गए तो तुम्हें बॉडी मिल जाएगी, और लेट हो गए तो तुम्हें सिर्फ हड्डियाँ मिलेंगी। बोलो क्या चाहिए सर? दिन भर आवारा की तरह घूमता रहता है और रात को थाने में सो जाता है। जहाँ जाकर जाने से कार की चाबी लेकर आ। गुरु गाड़ी रेडी, टेक इट। अला क्यों गुरु, क्या बात है, क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों हो? वो गुरुपुर ब्रिज के नीचे कोई बॉडी पड़ी है। फोन आया था। हाय जो, कुछ खाएगा? नहीं खिलाओगे क्या? नहीं है, चलना। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ गड़बड़ हो रही है सर। गड़बड़ यहाँ नहीं, गड़बड़ यहाँ पर कभी नहीं होती है, हमेशा यहाँ पर होती है, बहाने बनाता है। है शटी, मुझे क्या हुआ? हाँ सर मुझे कुछ भी नहीं हुआ सर, मैं आता हूँ ना सर, मैं चलता। चलो फिर। हाँ सर बाय जो, कभी और खिलाता हूँ। ऑल द बेस्ट गुरु।
बॉडी फेंक कर एक घंटा भी ठीक से नहीं हुआ, इतनी जल्दी इन्हें पता चल गया। है इतने दिनों से मैं शेट्टी से परेशान था और उसके मरने के बाद उसकी बेटी मुझे परेशान कर रही है। मैंने सोचा था शेट्टी को मार के उसका इल्जाम जानी के ऊपर डाल दूंगा, एक तीर से दो निशाना। शेट्टी की बेटी को मैंने ये बात भी बताई कि उसके बाप का कातिल जानी ही है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी शेट्टी की बेटी जानी के करीब जा रही है। मुझे डर ये है कि शेट्टी मरने से पहले जानी को कुछ बताया तो नहीं था, या फिर शेट्टी की बेटी को हमारे बारे में कुछ पता चल गया हो। इसके अलावा वो कोई फाइल भी लेके घूम रही है। अरे ब्रदर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, एक और बार मौका दे दो मुझे, उसके बाद आप ही पार्टी के प्रेसिडेंट और आप ही एमपी के कैंडिडेट बनोगे। आप बस देखते जाइए कि मैं कैसे उस जानी को काटता हूँ। आप चिंता मत करो, आप कहें तो शेट्टी की बेटी को भी उड़ा देता हूँ। yes! hey, तुम जाओ कहीं दूर जाकर जी लो अपनी जिंदगी, जाओ जाओ। हाँ? जाओ। थैंक यू बॉस। बजरंगी बॉस। मैं इस वक्त इतनी टेंशन में हूं कि अगर हिमालय पर्वत भी मेरे सर पर रख दोगे तो मैं कूल नहीं होऊंगा। तुम निकलो बजरंगी बॉस। बॉस इधर आओ, आज से तुम्हारा और मेरा सारा रिश्ता खत्म। मैं वापस गांव जाके सेटल हो जाऊंगा और तुम लोग भी अपने गांव जाकर सेटल हो जाओ। ये लो पैसे, जाओ। पैसे नहीं चाहिए बॉस, अगर पैसे लेंगे तो जीएसटी कटेगा, ये आप ही ने बताया बॉस। हमें पैसे नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए बॉस, आपका प्यार चाहिए हमें। मेरे आदमियों ने मार के बॉडी कहाँ फेंकी उसका दो दिन तक किसी को भी पता नहीं चला। चल जल्दी चल, टाइम नहीं है हमारे पास। सावधानी से लेकर जा, औरत बहुत होशियार है, देखना भाग ना जाए। सर क्या केस है बे? रात को बस स्टॉप पर ऐसे ही घूम रहा था तो उठाकर ले आया इसे। कहाँ से आया है? जागरण। अबे जागरण से आया, पूजा करके आया, कीर्तन करके आया, गांव कौन सा है बे? जागरण। अबे हंस रहा है तू? झारखंड से गांव है सर। अच्छा तो तू झारखंड बोल रहा था? अरे तू कैसे बोलता है भाई, झारखंड तेरा जागरण सुनाई देता है मुझे, कमाल आदमी है। झारखंड वहां से आके यहाँ क्या कर रहा है जाने? क्या हुआ सुबह सुबह यहाँ पे आ गया? शेट्टी कार की चाबी दे। गुरु गुरु मैं कार के लिए नहीं आया हूँ। रात भर लाश के पास था, सोना चाहता हूँ यार, जल्दी बोल क्या बात है, बता। मैं कल से जासमीन को फोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रही, तो मुझे अच्छा ये बात है। सिनेमा फील्ड है यार, वहाँ पे दिन रात सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कुछ नहीं देखते, बस काम करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है गुरु, मैंने पेपर में और टीवी में देखा है, फिल्मों में जाने के बाद पुरानी सारी बातें लोग भूल जाते हैं, ऐसा होता है क्या? जानी और जैस्मिन दोनों की जोड़ी एकदम पक्की है, तू उसके बारे में ऐसा मत सोच, अगर ऐसा करेगा ना तो अपने बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, समझा? अच्छा मैं घर जा करके फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। जानी मेरे लिए भगवान की तरह है, उसने मेरी तीन बार जान बचाई है। उसका काम भले ही चोरी करना हो लेकिन वो पैसों का लालच कभी नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में तीन लोगों से प्यार किया है, अपनी बीवी, मेरी बेटी और जानी। अभी तक तो मेरे दिल में मेरी बेटी और बीवी ही थे लेकिन अब जानी ने भी उसमें अपना घर बना लिया है, दिल जीत लिया है उसने मेरा। We'll be right back.
हुआ? कुछ नहीं तो। हेलो जानी, मैं जैस्मिन। जैस्मिन? जैस्मिन, मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फोन तो स्विच ऑफ है। तुमसे बात किए बिना मेरा दिमाग खराब हो रहा था, कहाँ थी तुम? हेलो हेलो जैस्मिन, बात तो करो ना। अरे जैस्मिन कुछ तो बोलोगी। हेलो जैस्मिन, तुम रो रही हो? अरे जैस्मिन तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ जैस्मिन? जानी, मेरे पापा ने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने मुझे मुंबई में किसी के हाथों बेच दिया है, लेकिन मैं वहाँ से भाग कर आ गई हूँ। ठीक है, ये बताओ तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी वहाँ आ जाता हूँ। कहाँ हो तुम? जानी तुम डरो मत, मैं ज्यादा दूर नहीं पहुँची थी, मैं खुद ही आ जाऊंगी। जैस्मिन, मैं तुम्हें छोड़कर जी नहीं पाऊंगा। तुम भी मुझे छोड़कर कहीं मत जाना प्लीज। जानी मेरे पास और कॉइंस नहीं है, आने के बाद बात करती हूँ। हाँ ओके, लेकिन एक बात, तुम्हारे आने के बाद हम तुरंत जाकर चर्च में शादी कर लेंगे, ठीक है ना? ए जैस्मिन, शादी से पहले मुझे एक किस दे दो ना, बस इतनी मेरी चाहत है प्लीज। जानी शादी होने के बाद ना तुम बस बोलोगे तब भी नहीं रुकूंगी। जानी डायना, ये क्या है डायना? जानी मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे बिना बताए तू शादी कैसा करेगा? शादी तुमको मजाक लगता है क्या? कार्ड छपाना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, खाना, डेकोरेशन, ज्वेलरी, और ये सब के लिए पैसा तो लगता है ना बाबा। ये मैं नहीं ले सकता डायना, आपने फॉरेन में रहने वाले आपके बेटे के बारे में बताया था ना। नहीं मैं नहीं ले सकता। डायना का कभी मैरिज हुआ ही नहीं तो उसका बेटा कहाँ से आएगा? मतलब इतने दिन आपने मुझसे झूठ बोला था डायना? ये सब जानी के प्यार के लिए किया, जानी के लिए किया। लेकिन तुम्हारे शादी का सूट तुम याद रखना, मैं ही सिलवाने वाली हूँ। अब तू इतना जल्दी शादी करेगा तो मैं अभी जाकर सूट लेके आती हूँ। डायना मुझे सूट की क्या जरूरत? एक्चुअली मुझे ऐसे लड़के को ये सब सूट नहीं करेगा। देख ये जानी का शादी नहीं है, ये डायना का बेटा का शादी है। तू मेरे सूट को मना नहीं कर सकता, तुझे मेरी कसम है। हाँ मेरे लाए हुए सूट को पहनकर तुम्हें चर्च जाना होगा। ठीक है। हेलो ऐश्वर्या जी बोलिए। जानी तुमसे मुझे अर्जेंटली बात करनी है, क्या हम अभी मिल सकते हैं? ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, दरअसल आपसे भी मुझे एक जरूरी बात करनी थी। ऐसा है तो तुम हार्बर के पास आ जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगी। श्योर, मैं बस 10 मिनट में वहां आ जाऊंगा। सी यू सून। Thank you.
हे, पास मत आना, पास मत आना, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इसे। जानी, सेव मी जानी, प्लीज सेव मी जानी, प्लीज। बोलो ना पास मत आ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, काट कर रख दूंगा इसे। मेरे पापा जो किसी पर अन्याय नहीं किए उन्हें मारकर और उनके कातिल को पकड़ूंगा ऐसा मेरे सामने नाटक कर रहे थे। मेरे पापा की जान तुम ही ने ली है, अब तुम्हारी जान मैं लूंगी। गलत कर दिया मैडम आपने, मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। हे प्रभु, आप इसकी आत्मा को शांति दें। आमीन। जानी, जानी, क्यों बेटा यहाँ क्यों सोए हो? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारी शादी के लिए सूट लाऊंगी। ये देखो, ओह, तुम्हें सबके सामने शर्म आ रही है? चलो, सबको घूमने को बोलती हूँ, तुम जल्दी से पहन लो। बेटा कुछ तो बोलो, बात करो, बात करो मुझसे, बात करो। जानी, जानी, आइए आइए, मेरा बेटा जानी का शादी है, सबको खाना खा के जाना है। हाँ, आइए 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 ना।